राष्ट्र संत महोपाध्याय ललित प्रभ सागर महाराज एवं डॉक्टर मुनि शांति प्रिय सागर महाराज का 12 जून रविवार को नागपुर शहर में भव्य नगर प्रवेश होगा। राष्ट्र संतों के वर्धमान नगर स्थित धनसंस लॉन में 13 जून से 15 जून तक प्रतिदिन सुबह 8:45 से 10:30 तक दिव्य सत्संग और आध्यात्मिक प्रवचनों की ज्ञान गंगा बहेगी। संतजन श्री अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट और श्री अरिहंत ग्रुप के आग्रह पर सत्संग एवं प्रवचन माला कर रहे हैं। अब तक देश के 21 राज्यों के लाखों लोग इन राष्ट्र संतों के प्रभावी प्रवचनों का लाभ उठा चुके हैं। सर्वधर्म सद्भाव से जुड़े इन राष्ट्र संतों के प्रवचनों में 36 कौम की जनता उमड़ती है और ये हर विषय पर प्रवचन देते हैं। जोधपुर से रायपुर छत्तीसगढ़ में चतुर्मास करने के लिए पदयात्रा करते हुए वे नागपुर आ रहे हैं। अरिहंत ग्रुप के सुरेंद्र कोठारी ने बताया कि पूरे देश भर में लगभग 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके इन राष्ट्र संतों के संस्कार, निर्माण, व्यक्तित्व विकास और जीवन मूल्यों पर दी गई प्रेरणाएं जनमानस में नई ऊर्जा का संचार करती है। अपनी प्रभावी प्रवचन शैली के लिए पूरे देश भर में लोकप्रिय इन राष्ट्र संतों के जीवन और व्यवहार में धार्मिक समरसता की अद्भुत शक्ति है। देश भर में 36 कौम के लोग इन संतों से जुड़े हैं। 12 जून से शुरू होने वाले 4 दिवसीय विराट प्रवचन माला में राष्ट्र संत जीवन निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, स्वास्थ्य सुधार, पारिवारिक प्रेम, करियर, धर्म, अध्यात्म, ध्यान योग और समाज निर्माण से जुड़े विषयों पर प्रवचन देंगे, जबकि रविवार को नगर प्रवेश की सत्संग शोभा यात्रा निकलेगी। यह प्रवचन माला ललित प्रभा जी महाराज साहब की जो प्रवचन माला है, ये 13, 14 और 15 तारीख को वर्धमान नगर स्थित धनसंस लॉन में रखी गई है। 9:45 से 10:30 तक यह प्रवचन माला अविरत चालू रहेंगी और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर नागपुर सहित संपूर्ण मध्य भारत से लोग यहाँ आने वाले हैं और इस क्रांतिकारी संत के प्रवचनों का लाभ ले सकेंगे। इसमें लगभग रोज 500-700 लोगों के आसपास शहर के लोग रहेंगे और 1,000 के आसपास लोग रहेंगे टोटल। शोभा यात्रा का स्वरूप ऐसा है कि ये कोठारी ज्वेलर्स के यहाँ से अजितनाथ जैन मंदिर सभी समाज बंधुओं के साथ में महाराज जी की अगवानी होगी। उस अगवानी के अंदर बैंड बाजों के साथ में उनका शोभा यात्रा के दौरान उनका स्वागत किया जाएगा। वीकेबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट।